देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एफआईआई स्पेस पर नजर डाली जाए, यहाँ पर तगड़ी खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। 1150 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीद निकल कर आई है और 633 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी निकल कर आया है। तो काफी समय के बाद हम तीनों हरे निशान में देख रहे हैं और एफएनओ स्पेस में भी 1650 करोड़ की तगड़ी खरीद हमने बनती हुई देखी है। तो इस फ्रंट पर कुछ अच्छी खबर आती हुई डेफिनेटली दिखी है, लेकिन जिस प्रकार के संकेत आज सुबह ग्लोबल मार्केट से दिख रहे हैं उसे देखते हुए हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग। सर मार्केट सरप्राइज पे सरप्राइज या शॉक पे शॉक दिए जा रहा है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह का मूवमेंट, लेकिन आज जब आया है तो हमें क्या तैयारी करनी है सर आज? गुड मॉर्निंग, यहाँ बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल जिस तरह के अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड ही थी, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हुए तो अच्छा की मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर, और उसके सामने इतनी ही कमजोरी, यानी कि लगभग 300-350 पॉइंट का एडजस्टमेंट आपको उस हिसाब से करना है। दिक्कत की बात ये भी कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास कल और परसों में पहुंचे थे 17,750-17,800 लगातार उस रेंज के आसपास पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, बैंक निफ्टी में कल हम 40,000 के आसपास पहुंचे। सो आई थिंक थोड़ा गैप नीचे मिलेगा, गैप से नीचे मिलने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे पर बाजार वापस से ट्रेडिंग रेंज के नीचे सिरे पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। जो तुरंत सपोर्ट बनेगा आज मुझे के लिए वो है 17,400 से 17,475। ये रेंज जब तक होल्ड होती है तब तक तो कोई खास चिंता की बात नहीं है, इसके नीचे जाने के बाद 17,100-17,300 की रेंज का आगे बड़ा सपोर्ट होगा, वो थोड़ा पोजिशनली एक या दो व्यू के हिसाब से। तो आज के लिए संभावना इस बात की ज्यादा दिखती है कि 17,400-17,475 की रेंज को नीचे निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करें। ऊपरी स्तरों पर 17,650-17,700 रुकावट की जगह प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आपको होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,200-39,300 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये रेंज होल्ड होती तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। ऊपरी स्तरों पर 39,850 से 40,050 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख वाली मुनाफा सब कुछ आके दिखेगी। तो गैप से नीचे खुलने के बाद थोड़ा अगर हल्की पोजिशन और हो जाए और उसके बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज में बाजार पहुंचे तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का मौका होगा। कम गैप से खुले तो फिर आप एक बार अपनी ट्रेडिंग पोजिशन तेजी की तरफ की हल्की कर सकते हो, ज्यादा गैप से खुले तो निचले स्तरों पर खरीदारी के बारे में सोचें। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन कॉन्ट्रा कॉल लेकर ही मार्केट में आपके लिए ट्रेड करना ठीक होगा, तो उस तरह के मौकों के लिए तैयार रहें।